बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट जीवन। आज हम लोग लेके आए अपने केमिस्ट्री का पेपर डिस्कशन यहाँ पर नीट 2024 का। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर्स। जो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, जिनका डिस्कस यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें आते हैं, देखिए पेपर जो मैं बता दूँ काफ़ी आसान था। जिसने क्वेश्चन ठीक से करे होंगे उसने लगभग सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री के सही से अटैम्प्ट कर लिए होंगे। अब देखिए मेरा पहला क्वेश्चन आ गया, देखा मैच द लिस्ट विद फर्स्ट एंड सेकंड। देखो भाई मेरे पास दो लिस्ट दे रखी हैं, फर्स्ट में कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और सेकंड में उसने क्या कर रखा है, कुछ सिग्मा और पाई बॉन्ड को दे रखा है। किसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। मगर हाँ मैं बता दूं यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में ये लिखा था कि मेरे पास कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड दिए, मतलब उसने जो सिग्मा और पाई जो भी बोले हैं वो कार्बन और कार्बन के बीच बोल रखे हैं, ठीक है ना। तो मैं मैच करता हूँ, मेरे पास पहला मॉलिक्यूल दे रखा है एथेन का, ठीक है। मेरे पास पहला मॉलिक्यूल क्या है, एथेन का। तो सीधी सी बात है, एथेन की बात करें तो ये हो गया बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कार्बन कार्बन के बीच, तो भाई कार्बन कार्बन के बीच मेरे पास एक सिग्मा बॉन्ड है, केवल क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड। तो एथेन का जो मॉलिक्यूल्स है उसमें कार्बन कार्बन के बीच मेरे पास एक सिग्मा बॉन्ड, मतलब वन सिग्मा बॉन्ड, मतलब ए का जो मेरा मैच हो रहा है वो थर्ड मैच हो रहा है, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ एथेन की, ठीक है, ये एथेन नहीं होगा, ये कोई अगला मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन थोड़े से डिस्टर्ब हैं, पहला मेरे पास एथेन था, दूसरा एथीन कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा मेरे पास ये जो मॉलिक्यूल है ये मैं एथीन कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास पहला एथेन था, दूसरा मैं कर लेता हूँ एथीन मॉलिक्यूल। तो अगर मैं एथीन की बात करूँ तो एथीन में मेरे पास होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथीन में मेरे पास बात करूँ तो यहाँ डबल बॉन्ड, तो देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल आ जाने से मेरे पास एक सिग्मा और एक क्या हो गया, पाई। तो मेरे को बी वाले में देख लेना किसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। तो देखिए मेरे पास फोर्थ नंबर पे आप आएंगे, फोर्थ नंबर पे देखो मैंने करेक्शन करा, हो सकता है ऑप्शन में आगे पीछे हो जाए। पहले क्या वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड, मतलब मेरे पास ए का मेरे पास थर्ड है, मेरे पास ए का थर्ड है, देखिए थर्ड और फोर्थ में मेरा मैच कर रहा है, ठीक है। और मेरे पास बी का मेरे पास फोर्थ है, देखिए बी का फोर्थ ये भी मैच कर रहा है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कार्बन मॉलिक्यूल वहां पे नहीं था, कार्बन अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो कार्बन का मेरे पास यहाँ पर होता है सी डबल बॉन्ड सी, वैसे ये भी होता है। फिलहाल हम लोग अपने थर्ड ऑप्शन में आते हैं, एथाइन सिंबल तो दिख रहा है। अगर मैं एथाइन की बात करूंगा तो एथाइन में क्या होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होता है, एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड, ठीक है। तो एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड का ऑप्शन मेरे पास फर्स्ट दिख रहा है, तो बस आप इसी से मैच करा लीजिए। देखिए यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन नंबर थर्ड, मेरे पास जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो मेरे पास बिल्कुल सही होगा, ए का थर्ड है बी का फोर्थ। देखिए मैंने ए बी और मेरे पास डी मैच मैंने करा लिया है, ऐसी कोई मैचिंग यहाँ पर नहीं आ रही, ठीक है। ए का थर्ड है बी का मेरे पास फोर्थ है और मेरे पास डी मैंने फर्स्ट मैच करा लिया है। देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ मेरे पास लिखा है बिटवीन, यहाँ पर आपका लिखा है वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड, ठीक है ना। तो मेरे पास तीन मैच कर गए, मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो गया, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए मेरे पास ये सिंपल सा क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है, ये भाई ऑक्सीजन फैमिली का एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आ गया बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के। वैसे तो पता है हम लोगों को बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, ठीक है। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट फर्स्ट लिखा था बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉलोड ऑर्डर, ठीक है। मेरे पास जो हाइड्राइड्स होते हैं उनका भाई उसने ये ऑर्डर दे रखा है, ठीक है ना। पहले कह रहा है सबसे ज्यादा वाटर का होता है, उसके बाद H2TE का, फिर H2SO2। देखो भाई अगर जिसने ठीक से पढ़ाई करी होगी उसको पता होगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही रहता है यहाँ पर, और कारण उसका ये होता है क्योंकि वाटर में इंटर मॉलिकुलर एज बॉन्डिंग होती है, उसके बाद मेरे पास H2TE। देखिए इन तीनों की अगर बात करें तो इन तीनों में कहीं पर भी कोई एच बॉन्ड नहीं बनता, ठीक है। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस है वो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर वेट होगा, ठीक है। जिसका मॉलिकुलर वेट ज्यादा होगा उसके मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। मगर वाटर का ज्यादा किस वजह से हो गया, क्योंकि वाटर में मेरे पास जब वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना तो बेटा उनमें इंटर मॉलिक्यूलर, मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच इंटर मॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग होती है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट मेरे पास भैया करेक्ट है, मेरे पास जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो तो भाई करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं, लिखा है स्टेटमेंट सेकंड थोड़ा सा घुमा के उसने दिया हुआ है, लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास H2O is accepted। मतलब अगर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट की बात करें
तो H2O को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। सही बात है, अगर हम लोग केवल मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए क्योंकि उसका भाई सीधे मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम आएगा, ठीक है पॉइंट। देन द अदर मेंबर्स, बिल्कुल सही बात है, ऑफ द ग्रुप, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव एच बॉन्डिंग, ठीक है, चूंकि एच बॉन्ड प्रेजेंट है, इट हैज द हायर बॉइलिंग पॉइंट। देखो पहले उसने बताया कि अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, मगर बाद में उसने कहा कि अगर हम एच बॉन्डिंग को मान लें तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। इस वजह से मेरे पास स्टेटमेंट सेकेंड है वो भी मेरे पास करेक्ट है, मतलब कुल मिलाकर इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड दो बोथ आर करेक्ट। तो मेरे पास जो पहला ऑप्शन है लिखा है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, ठीक है, इसका जो मेरे पास है वो फर्स्ट अकॉर्डिंग से आंसर सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में, फिर देखिए गिवेन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, भाई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए मगर बड़े आसान से, ठीक है। करा स्टेटमेंट फर्स्ट में मेरे पास क्या गिवन करा है, करा द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ थ्री आइसोमेरिक पेंटेन्स, मेरे भैया पेंटेन के मेरे पास तीन ही आइसोमर्स बन सकते हैं, एक नॉर्मल पेंटेन, ठीक है, मेरे पास दूसरा हो गया जो एक मेथिल साइड में आ जाएगा आइसोब्यूटेन बोल देंगे, और मेरे पास होगा आइसोपेंटेन नियोपेंटेन, ठीक है, नॉर्मल पेंटेन आइसोपेंटेन नियोपेंटेन। देखो पहले चेक करते हैं क्या ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ठीक है। अगर मैं बात करूं, आपने पढ़ा है कि सरफेस एरिया, ठीक है, अगर तीन मॉलिक्यूल्स ऐसे ले लिए जाए जिनके मॉलिक्यूलर वेट सेम हो मगर उनका जो स्ट्रक्चर हो जिनमें सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जिस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज्यादा होगा जो अधिक जगह घेरेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो नॉर्मल पेंटेन की बात करें तो नॉर्मल पेंटेन मेरे पास ऐसे बनेगा एक दो तीन चार पांच, ठीक है, ये मेरे पास एक दो तीन चार पांच का नॉर्मल पेंटेन हो गया। अगर मैं बात करूं आइसोपेंटेन की तो आइसोपेंटेन में ऐसा होगा एक साइड चेन निकली होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं नियोपेंटेन की तो नियोपेंटेन में कार्बन और फिर ऐसे कार्बन फिर ऐसे फिर ऐसे, अगर आप बात देखें तो यहाँ पर मेरे पास जो ये नॉर्मल पेंटेन है इसका सरफेस एरिया काफी ज्यादा है तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, ठीक है। मगर जो मेरे पास ये वाला चल रहा है मेरे पास आइसोपेंटेन, तो यहाँ पर जो आइसोपेंटेन है ना मेरे पास, ठीक है, आइसोपेंटेन में क्या होगा कि साइड से बात है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होगा, इसमें आपकी ब्रांचिंग आ गई, मॉलिक्यूलर वेट ब्रांचिंग होने से इसमें होगा ये सरफेस एरिया कम होगा, मगर हाँ लास्ट वाला जो है उसमें सरफेस एरिया और कम होगा, इस वजह से मेरे पास जो ये ऑर्डर दिया है वो बॉइलिंग पॉइंट का बिल्कुल सही है, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं, मेरे पास स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो गया, ठीक है। व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस, देखिए क्या लिखा है, व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस द मॉलिक्यूलर अटेन्स ए शेप ऑफ स्फीयर, देखो भाई सीरियस बात है, जब कहीं ब्रांचेस बढ़ती हैं तो मॉलिक्यूल स्फीयर लाइक हो जाता है, कैसा होता है स्फीयर लाइक, जैसे आप देखें आइसोपेंटेन की बात करें तो आइसोपेंटेन में अगर मैं बात करूं तो ये मॉलिक्यूल जस्ट लाइक ए स्फीयर, ठीक है। स्फीयर होने से क्या होता है सरफेस एरिया कम हो जाएगा, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा जिस वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, ठीक है। स्फीयर दिस रिजल्ट स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर कॉन्टेक्ट ड्यू टू विच द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन द स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स आर वीक देयर बाय लोअरिंग द बॉइलिंग पॉइंट, भाई स्टेटमेंट सेकंड भी परफेक्ट लिखा हुआ है, मतलब इसका जो ऑप्शन सही है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, मतलब इसका भी जो ऑप्शन सही है वो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही लिखा है और सेकेंड भी सही लिखा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या है मेरे पास, देखो भाई क्या लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स, क्या है भाई, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऐसा है ना भैया, ये क्वेश्चन तो 11th लेवल में ही पढ़ा दिया जाता है कि मेरे पास सेकेंड पीरियड के लिए आईपी का ऑर्डर क्या होता है, मेरे पास एलिमेंट है लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, देखो भाई मेरे पास सेकेंड एलिमेंट में क्या क्या होता है, लिथियम होता है, लिथियम के पास मेरे पास बेरिलियम होता है, फिर मेरे पास बोरॉन हो गया, फिर मेरे पास कार्बन, इनका मेरे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी वो भी फर्स्ट वाले, ठीक है, मेरे पास जो फॉलो करना है वो इनकी फर्स्ट आईपी का ऑर्डर लिखना है, ठीक है। वैसे तो जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो आपका साइज डिक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ जाती है जिस वजह से आईपी की वैल्यू क्या होती है वो भी बढ़ती है, यानी ऑर्डर तो ये बताया जाता है कि ऐसा होना चाहिए लिथियम से ज्यादा बेरिलियम का, बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन का, बोरॉन से ज्यादा कार्बन का, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन का, ठीक है। मगर यहाँ पर चूंकि उसने ऑक्सीजन दिया भी नहीं है तो भाई सीरियस बात है एन का तो सबसे ज्यादा होता है, सीरियस बात है क्योंकि एन में आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ड्रा करेंगे ना तो ये मेरे पास आता है 2H2 और होता है 2P3, तो बेटा नाइट्रोजन के केस में क्या होता है बेटा आपको मालूम है,
हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो एन का तो भाई सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। अच्छा, एन के बाद सी का भी होता है, मगर बेटा बोरॉन और बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम में मेरे पास होता है 2H2 और बोरॉन में होता है 2H2 और 2P1। तो मैं इसकी अगर बात करूं तो बताया जाता है कि जो बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s में एंट्री मारता है, और जो 2s होता है वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है, ठीक है। बोरॉन में क्या है, लास्ट एंट्री किसमें हो रही है, 2p में हो रही है, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, तो अगर यहाँ मेरे पास 2s होगा तो यहाँ मेरे पास 2p होगा, सही है भाई। तो 2p के इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा और 2s के इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इस वजह से 2p वाला जो होगा इसका जो होगा कम होगा और बेरिलियम वाले का थोड़ा सा ज्यादा। तो जो सही आंसर बताया जाता है वो लिथियम, लिथियम के बाद मेरे पास होता है बोरॉन, बोरॉन के पास मेरे पास होता है बेरिलियम, फिर कार्बन और फिर मेरे पास होता है नाइट्रोजन। तो ये मेरे पास सही ऑर्डर आता है आईपी का, देख लेते कौन सा आंसर सही है। मेरे पास एन के बाद सी, सी के बाद, देखिए मेरे पास सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर है, एन के बाद सी, सी के बाद बेरिलियम, ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है इसके पास, वैसे भी राइट साइड है, अगर ओ होता तो चेक करते। और बेरिलियम के इस वजह से ज्यादा है क्योंकि बेरिलियम में मेरे पास इस वजह से ज्यादा है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंट्री कर रहा है वो 2s वाले में एंट्री कर रहा है और बोरॉन वाले में 2p वाले में एंट्री कर रहा है और 2p वाले के न्यूक्लियस डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा हो जाती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट वन देखते हैं क्या हमारे पास, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास लिस्ट दे रखी है, लिस्ट वन और लिस्ट सेकंड ज्योमेट्री या शेप मेरे को मैच कराना है, ठीक है। मेरे पास बात करते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल की, तो अगर मैं अमोनिया का ड्रा करूँ तो नाइट्रोजन पे मेरे पास 3-3 H होते हैं और 3-3 H होने के कारण यहाँ पर मेरे पास एक लोन पेयर बचेगा। नाइट्रोजन के आउटर मोसल में कितने होते हैं भाई, आपके पास 5 होते हैं, 3 चले गए बॉन्ड में, एक लोन पेयर। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो मेरे पास sp3 हो गया भाई, ठीक है। sp3 के अकॉर्डिंग इसकी जो ज्योमेट्री या शेप होना चाहिए, पहले बात तो बात करें टेट्राहाइड्रल या तो कहीं लिखा होना चाहिए या मेरे पास sp3 वाले में पिरामिडल विद वन लोन पेयर है ना, तो ये पिरामिडल होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे पास, पिरामिडल होना चाहिए, या तो मेरे पास TD कहीं लिखा हो या मेरे पास पिरामिडल हो, ठीक है भाई। पिरामिडल तो कहीं है नहीं, स्क्वायर पिरामिडल अलग चीज है, तो ये ट्रायगोनल पिरामिडल मेरे को लग रहा, मतलब ए का मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन है। यहाँ पर इनको TD या पिरामिडल में से देना चाहिए था, मगर इन्होंने लिया ट्रायगोनल, ठीक है। मैं ए का फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है, मैं ए का क्या मान लेता हूँ, फर्स्ट। अब बात करते हैं BrF5 की बात कर लेते हैं, अगर मैं BrF5 की बात करता हूँ तो ब्रोमीन पे मेरे पास 5-5 F लगे हैं, जब मैंने यहाँ पर 5-5 F लगा लिए, जब मैंने 5-5 Fluorine लगा लिए, जब मैंने 5-5, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो ब्रोमीन के खर्च हो गए, तो एक लोन पे बचेगा भाई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जब इसका निकालूंगा तो sp3d2 आएगा, मगर एक लोन पेयर भी है, एक लोन पेयर भी है, इस वजह से अरेंज तो बेटा ऐसे होगा, देखिए ब्रोमीन पर आपके ऐसे अरेंजमेंट होंगे, 4 आपके 5F आपके प्लेन पर आ जाएंगे, 5F आपके प्लेन पर, एक एक नीचे आ जाएगा, एक लोन पेयर, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री जो होती बेटा वो स्क्वायर पिरामिडल होती, क्या होती बेटा, स्क्वायर पिरामिडल। देखो चेक कर लो भाई, इसका ये अगर ये दो कहीं मैच कर रहा है, मतलब ए का फर्स्ट और बी का मेरे पास फोर्थ है, ठीक है। तो भाई बी का फोर्थ, देखो ए का फर्स्ट है और बी का फोर्थ है, तो कोई ये ऑप्शन फर्स्ट मेरे पास सही जा रहा है। फिर भी चेक कर लेते हैं, मैं बता दूं SF6 वाला सिंपल सा है, सल्फर पे 6F लगे होते हैं ऑक्टाहाइड्रल तरीके से, तो मेरे पास जो सी है उसका थर्ड होना चाहिए, तो सी का थर्ड मेरे पास, सीरीज बात है, सी का सेकंड नहीं होगा, यहाँ पर सी का थर्ड कर लीजिएगा, ठीक है। सी का क्या कर लीजिएगा, थर्ड, और डी का सेकंड कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब ए का सेकंड नहीं होगा, ए का स्क्वायर प्लेनर तो वैसे भी नहीं होना, ठीक है ना। तो ए का फर्स्ट है, बी का मेरे पास सही है फोर्थ है, और XCF4 जो होता है वो मेरे पास स्क्वायर प्लेनर, मतलब सी का सेकंड है, सी का क्या है सेकंड है, और डी का मेरे पास थर्ड आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास ऑप्शन होगा, मैं लिख देता हूँ एक बार, जो ए है मेरे पास ए का मैं फर्स्ट बता रहा हूँ, जो मेरे पास बी है उसका स्क्वायर प्लेनर मतलब मैं फोर्थ लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। जो मेरे पास सी नंबर तो सी वाले का स्क्वायर पिरामिडल मतलब सेकंड नंबर आ गया इसका ऑप्शन, जो मेरा डी है वो आप लास्ट मैच कर लीजिएगा कौन सा है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम लोग देखें नेक्स्ट में क्या आता है मेरे पास, ठीक है भाई, नेक्स्ट आते हैं। अब देखो नेक्स्ट मेरे पास लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस, ठीक है। मेरे पास कुछ प्रोसेस दे रखे हैं, बताने इनमें से किस किस प्रोसेस में एंट्रोपी की वैल्यू क्या हो रही, इंक्रीज हो रही, ठीक है। आपको अच्छी तरह पता है, कहीं पर अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं तो वहाँ एंट्रोपी बढ़ जाती है, कहीं पर कोई सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर बनती है तो एंट्रोपी की वैल्यू क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखते हैं मेरे पास क्या क्या है लिखा है, ए लिक्विड
एवेपरेट्स टू वेपर, सी है भैया अगर कोई लिक्विड होगा, अगर कोई लिक्विड होगा उससे वेपर बनेगा, तो 100% श्योर है कि एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ेगी। तो ए तो सही है, क्योंकि इसमें कई सारे ऑप्शन सही है ना। पहला सही है करेक्ट, टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर टू 130 केल्विन। देखो भैया टेम्परेचर को कम करने से, टेम्परेचर को कम करने से एंट्रोपी बढ़ेगी नहीं बल्कि एंट्रोपी घटेगी, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिकुलर वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाने पर मॉलिकुलर वाइब्रेशंस बढ़ते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर को घटाने से मॉलिकुलर वाइब्रेशंस घटेंगे, मॉलिक्यूल सीज हो जाएगा अपनी जगह। ठीक है, जब मॉलिक्यूल सीज हो जाएगा अपनी जगह तो एंट्रोपी घटेगी। तो भाई बी तो मेरे पास नहीं, बी में तो एंट्रोपी घटेगी, वो पूछ रहा है किसमें किसमें इंक्रीज होनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई सी वाले में सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड है, इसको जब हीट करा है, चलो ये तो सॉलिड बन गया, मगर भाई ये दो तो गैसें बन गई ना, ये दो तो गैस बन गई ना, तो कहीं ना कहीं सॉलिड से गैस बन रही है, तो एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ रही है। सी भी सही है। आप डी वाले में आइए, डी वाले में क्लोरीन का देखिए एक मॉलिक्यूल है, इससे दो एटम्स बन रहे, तो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, तो डी वाले में भी एंट्रोपी बढ़ रही है। तो मेरे पास आंसर सही है इसका, ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, ए सी डी मेरे पास थर्ड ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट वन देखते हैं क्या हमारे पास, देखिए लिखा है द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इन, कह रहा है मेरे पास चार सैंपल दे रखे हैं, बताना है इसमें किसमें हीलियम के एटम्स मैक्सिमम। देखो भैया 4 मोल ऑफ हीलियम, अरे बाप रे 4 मोल ऑफ हीलियम का मतलब पता है ना, 1 मोल में हीलियम कितने होंगे भाई, अवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10²³ और 4 मोल हैं तो मल्टीप्लाई बाय 4, काफी बड़ी वैल्यू आ रही है अली। और देखिए भाई 4U ऑफ हीलियम, अरे भाई 4U का मतलब ये तो बहुत कम वेट हो गया, ये तो AMU दे रखा है ना, AMU बहुत छोटा यूनिट होता है, इसमें तो भाई हीलियम की संख्या बहुत कम होगी। ठीक है, 4 ग्राम ऑफ हीलियम, अगर आप 4 ग्राम ऑफ हीलियम लेंगे, इसमें आप पहले मोल निकालेंगे, क्या निकालेंगे मोल निकालेंगे, क्या निकालेंगे मोल, तो 4 ग्राम हीलियम है, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 4 होता है, कितने मोल निकला है 1 मोल, तो भैया 1 मोल में तो कम ही होगा ना, 4 मोल में तो ज़्यादा ही होगा। और इतने लीटर ऑफ हीलियम एट STP, ठीक है, इसको भी चलो मैं करके देख लेता हूँ। अगर आपको STP पर वॉल्यूम पता है, अगर आपको STP पर वॉल्यूम पता है तो मोल निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, मोल इज इक्वल टू जो वॉल्यूम दिया अपॉन 22.4, इससे डिवाइड कर दे रहे, तो वॉल्यूम क्या है पास 2.27 अपॉन 22.4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो मोल निकलना है, गई 10 नीचे हो गया 100 हो गया, 100 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया मेरे पास, ये हो गया 227 अपॉन में हो गया 2240। ये सीरीज बात है, ये जो मोल की संख्या आएगी ये भाई 4 मोल से तो कम ही आएगी, ये तो 1 से भी कम आने वाली है, तो कहीं ना कहीं मेरे पास जो पहला ऑप्शन है 4 मोल ऑफ हीलियम, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हीलियम एटम्स प्रेजेंट होंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन। अब देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, क्या है नीट का एग्जाम है कि क्या एग्जाम है, समझ में नहीं आता इतना छोटा छोटा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं भाई ये लोग, है ना। देखो लिखा है ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट, ठीक है, अगर आप कपूर लेके गर्म कर दें तो सॉलिड से सीधे वेपर बन जाता है, ठीक है, आप NH4 Cl लेके गर्म कर दें सॉलिड से वेपर बन जाता है, ठीक है, आप नेफ्थलीन लेके गर्म कर दें सॉलिड से वेपर, तो इस घटना इस फिनोमिनन का नाम पूछा है, अरे भाई सबलीमेशन है भाई, इसका नाम क्या होता है सबलीमेशन, सेकंड ऑप्शन परफेक्ट है, सभी का सही हुआ होगा। ठीक, नेक्स्ट पर आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है फॉर द रिएक्शन, एक भाई रिएक्शन दे रखी है, उसका केसी दे रखा है, यहाँ केसी इज इक्वल टू होगा, केसी की वैल्यू गिवन है, केसी केसी मतलब सेंस क्या हो गया भाई आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, क्या दे रखा है भैया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी गिवन है। भाई देखिए काफी छोटी वैल्यू केसी की है, तो केसी इज इक्वल टू है 4 × 10⁻³, यानी कि हम लोग 0.004 कर सकते हैं। देखिए केसी की वैल्यू काफी कम है, ठीक है, अच्छा एट ए गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, कर किसी टाइम पर ए बी सी तीनों इक्वल हैं और ये वैल्यू इसकी है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, भाई केसी का मान दे रखा है और किसी टाइम पर, पता नहीं वो कौन सा टाइम है, कुछ भी टाइम होगा, खराब टाइम अच्छा टाइम पता नहीं भाई, ठीक है, एट ए गिवन टाइम करा ए बी सी बराबर हो गए, तो भाई इनमें से क्या सही, करा रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, देखो भाई अगर ए बी सी बराबर हैं, अगर रिएक्टेंट वर्ड बराबर हैं,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। रिएक्शन इक्विलिब्रियम में तब होती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड का रेट क्या होता है, इक्वल होता है, तब इक्विलिब्रियम होती है। एबीसी को लोगों ने देखा होगा कि भाई एबीसी इक्वल है, हाँ भाई ये तो इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, केसी की वैल्यू बहुत छोटी दे रखी है। अगर केसी की वैल्यू बहुत छोटी है तो सीधी बात बताया गया होगा जो केसी इज इक्वल टू होता है वो होता है केएफ अपॉन केबी। अगर केसी का मान 1 से ज्यादा होता है तो केएफ ज्यादा होता है, मतलब मोस्टली रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाती है। ठीक है, अगर केसी का मान एक से छोटा होता है, ये वैल्यू कम है, तो केबी ज्यादा होगा। अगर केबी ज्यादा होगा तो मोस्टली रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। अगर बैकवर्ड जाएगी तो वो ऑप्शन सही होगा, लिखा रिएक्शन हैज टू टेंडेंसी टू गो टू फॉरवर्ड। नहीं, फॉरवर्ड नहीं होगा, रिएक्शन हैज टू टेंडेंसी टू गो टू का बैकवर्ड, मतलब आपका ये गलत है। आपका थर्ड ऑप्शन क्या है, सही है कि रिएक्शन बैकवर्ड साइड में जाएगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक, कह रहा है विच रिएजेंट विद विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव करस्पॉन्डिंग टेस्ट। भैया मेरे पास 5 रिएजेंट दे रखे हैं और कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, कह रहा कौन कौन से रिएजेंट ऐसे हैं जो भाई मेरे ग्लूकोज से रिएक्शन देने से मना करते हैं। तो जिन लोगों ने ग्लूकोज के रिएक्शन ठीक से पढ़ी होगी, ग्लूकोज बायोमोलिक्यूल ठीक से पढ़ा होगा, उन्होंने बहुत आराम से कर लिया होगा क्योंकि बड़े फेमस फेमस रिएजेंट हैं। भाई ग्लूकोज के रिएक्शन बताना है किससे किससे नहीं होती है, डस नॉट रिएक्ट लिखा है। ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लिखा है डस नॉट रिएक्ट, किससे किससे रिएक्शन भाई साहब नहीं होती। तो भाई मैं बता दूं, ग्लूकोज के रिएक्शन टॉलरेंस रिएजेंट से होती है, बहुत फेमस है, सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। ठीक है भाई, सिप्स रिएजेंट ना भाई, सिप्स से तो भाई नहीं होती, सिप्स रिएजेंट से रिएक्शन ग्लूकोज की नहीं होती। ठीक है ना, सिप्स रिएजेंट जो होता है वो एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए होता जरूर है, मगर चूंकि बल्कि रिएजेंट है वो सिप्स ग्लूकोज रिएक्शन नहीं करता, एससीएन से रिएक्शन करता है बेटा, एससीएन से भी करता है मेरे पास। ठीक है, एससीएन से रिएक्शन करता है, टॉलरेंस से करता है, हाइड्रोक्सिलेमीन से भी करता है। ठीक है, मगर सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन नहीं देता और सिप्स से भी टेस्ट नहीं देता है। तो ऑप्शन हो गया बी और ई, मेरे पास बी और ई, मेरे पास थर्ड नंबर में मेरे पास बी और ई है, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, टॉलरेंस रिएक्शन देगा, सिप्स से नहीं देता, एससीएन तो आपको पता है साइनोहाइड्रिन देता है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टेस्ट और प्रोडक्ट, ठीक है, साइनोहाइड्रिन देता है, सो इसमें ऑक्सीन बन जाता है, मगर सोडियम बाइसल्फाइड जो होता है ये बल्कि रिएजेंट है, ये तब अटैक करता है जब सीओ की मात्रा ज्यादा हो, और ग्लूकोज का मोस्टली फॉर्म साइक्लिक होता है, उसमें सीओ ग्रुप की मात्रा इतनी नहीं होती है कि वो सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन कर सके। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास। अब देखिए ये मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया है, टाइट्रेशन का है, देखते हैं क्या है। लिखा है 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉज ट्रीटेड विद 25 ml ऑफ 0.075 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है, मेरे पास क्या है, मेरे पास किसका सैंपल है, NaOH का सैंपल है, मेरे पास NaOH का सैंपल है, 1 ग्राम सैंपल है। ठीक है, 1 ग्राम सैंपल है। ठीक है, और लिखा है वॉज ट्रीटेड विद, न्यूट्रलाइज विद नहीं लिखा है, वॉज ट्रीटेड विद, इसको हमने ट्रीट कराया, इसको हमने ट्रीट कराया कितने के साथ बेटा, 25 ml और 0.75 मोलर HCl के साथ ट्रीट कराया। ठीक है, फिर कह रहा है सोल्यूशन HCl सोल्यूशन, सीधी सी बात है, ये बेस है, ये बेस है, तो इस एसिड से वो न्यूट्रलाइज थोड़ा बहुत तो हो रहा होगा, मगर उसने न्यूट्रलाइज बोला नहीं। ठीक है, फिर लिखा है द मास ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड इक्वल टू, इसका मतलब है किस रिएक्शन में, उसने लिखा है इसमें NaOH का कितना मास बचेगा, इसका मतलब जाहिर सी बात है NaOH ज्यादा दे रखा होगा, NaOH ज्यादा गिवन होगा, तो इतना एसिड तो पूरा रिएक्ट हो गया होगा, इतना एसिड तो पूरा रिएक्ट हो गया होगा, तो इसके जो ग्राम इक्विवेलेंट होंगे ना, इसके जो ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वो रिएक्ट हुए NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पर मोलरिटी दे रखी है, मगर यहाँ एन फैक्टर की वैल्यू 1 है, इस वजह से यही इसकी नॉर्मेलिटी होगी, तो जो इसका एन इंटू वी होगा, ठीक है, जो इसका एन इंटू वी होगा वही NaOH के रिएक्ट हुए NaOH का एन इंटू वी होगा, मतलब इधर से ले लेते हैं एन इंटू वी, और ये किसका है बेटा, NaOH का है। ठीक है, उधर ले लेते हैं बेटा एन इंटू वी, बेटा ये किसका है हमारे पास, HCl का है। ठीक है, इधर वाला हम लोग एन इंटू वी निकाल लेंगे क्योंकि उधर वाले के इक्वल होगा, मैंने कहा ना अभी यहाँ पे एन फैक्टर 1 होगा, इस वजह से मोलरिटी नॉर्मेलिटी इक्वल होगी। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू कितनी हो गई, ये तो 1, ये मेरे पास मोलरिटी हो गई 0.75 और मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम है 25, कितना है 25, ये हटा दीजिए, नीचे 100 हो गया। ठीक है, 25 से आप काट लीजिए भाई, ये 4 पकड़ जाएगा,
तो ये हो गया 75 डिवाइड बाय 4। तो ये बताइए ये जो आ गया n into v, ये बेटा n into v किसका आ गया, ये n into v आ गया NaOH का ही आ गया, किसका आ गया NaOH का ही आ गया। अब मैं निकालूंगा कि इस इक्विवेलेंट में, इस ग्राम इक्विवेलेंट में कितना NaOH रिएक्ट हुआ, ठीक है। तो W इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है E इंटू एन इंटू वी अपॉन में 1000, ये फॉर्मूला होता है। इससे हम निकाल पाएंगे कितना W इसमें रिएक्ट हो गया, ठीक है। W मैं निकाल लेता हूँ, आपको NaOH का इक्विवेलेंट वेट पता है बेटा 40 होता है, कितना होता है बेटा 40, N इंटू वी के बदले में लगाऊंगा 75 डिवाइड बाई 4 और मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो देखिए दो जीरो होंगे तो यहाँ पर 0.75 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 0.75, ठीक है, 0.75 वेलिबल वैल्यू आ गई, ठीक है, 0.75। 1 ग्राम सैंपल दिया था मेरे पास, 1 ग्राम सैंपल दिया था मेरे पास, 1 ग्राम सैंपल दिया था, इतना W उसमें से रिएक्ट हो गया, ठीक है। 0.25 का ही नहीं होगा, मेरे पास यहाँ पर पॉइंट लगा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। मेरे पास सैंपल दिया था 1 ग्राम, और ये मेरे पास एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन, 1 ग्राम सैंपल था, उसने रिएक्ट कराया 25 ml और इतने मोलर से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका n into v निकाला तो 25 into 0.75, ये आटा नीचे 100 हो गया, 4 by 70 by 4, इतना मेरे पास n into v यही बेस का हो जाएगा। उससे मैं बेस का अमाउंट निकाल लूंगा, वो मैंने निकाला, इसका इक्विवेलेंट वेट 40 होता है मेरे पास, 40 into 75 by 4 कर दिया अपॉन में 1000, ठीक है। एक जीरो कट गया यहाँ पर, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 0.75 W NaOH रिएक्ट हुआ है। अगर मेरे पास 0.75 रिएक्ट हुआ है, आप लेके कितना चले थे, 1 ग्राम लेके चले थे, -0.75 यानी कि बचना चाहिए 0.25 ग्राम बचना चाहिए, क्या बचना चाहिए, ग्राम बचना चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास 0.25 ग्राम है, ठीक है। एक ग्राम में होता है मेरे पास, या तो इसको आप मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। एक ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, एक ग्राम इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 1000 मिलीग्राम, अगर उससे मेरे पास आंसर आएगा नहीं, ठीक है, आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास 0.25 ग्राम, तो ये हो गया 1000 मेरे पास मिलीग्राम, ठीक है, क्या हो गया मिलीग्राम। तो ये हटाएंगे आप नीचे 100%, देखिए मेरे पास 250 आंसर आएगा, 250 मिलीग्राम, इतने मिलीग्राम मेरे पास जो अनरिएक्टेड NaOH है वो मेरे पास बच जाएगा, ठीक है भाई।